जय साईं राम। नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी आज आपको बुधवार का उपाय बताने वाला हूँ। बुधवार को ये उपाय करने से शक्ति का आगाज होता है। बुधवार को ये उपाय करने से आपको अधिक दिमाग की प्राप्ति होती है। बुधवार का ये उपाय जिंदगी में सफलता के मायने बढ़ाता है, सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए ये उपाय दिल से कीजिए और अवश्य कीजिए। आज मूंगी साबुत दाल यानी हरे रंग की दाल का दान आपको बहुत अधिक लाभ दे सकता है। हरे रंग की दाल का लाभ आपको बहुत अधिक लाभ दे सकता है। हरे रंग की दाल का दान अवश्य कीजिएगा और मात्रा जितनी आपका दिल हो उतनी कीजिए। मंदिर में दें, गरीबों को दें, जल प्रवाह करें, वृक्ष के इर्द गिर्द डालें, कहीं भी दें, बहुत लाभ मिलेगा। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों के जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता, जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। Oh.